नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुड न्यूज़ जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस कोविड-19 के दौर में जहाँ लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं और नौकरियों के ऊपर खतरा आ रहा है, वहीं आपके बिहार का जो मगध यूनिवर्सिटी है वो तैयार है 400 असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक की नियुक्तियों के लिए। अपॉइंट्स करने जा रहा है 400 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अवेयर हो जाइए आप लोग, और आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी हैं, सीटें आ रही हैं। तो चलिए अवेयर हो जाइए और आप लोग मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते रहिएगा, ताकि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो वैसे ही आप रजिस्टर करें इस वैकेंसीज के लिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं न्यूज एजेंसी के द्वारा। तो देखिए, कहा गया गया जो कि बिहार में है, मगध यूनिवर्सिटी इज़ गियरिंग अप टू अपॉइंट नियरली 400 असिस्टेंट प्रोफेसर इन 26 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लॉ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे लिखा गया है आप लोग के लिए कि मगध यूनिवर्सिटी जो है इसके अंतर्गत कानून और इलेक्ट्रॉनिक सहित 26 आपके विभिन्न विषयों में लगभग 400 आपके सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ये आपका मगध यूनिवर्सिटी तैयार है, रेडी है। और आपका द न्यू अपॉइंटीज विल बी डिप्यूटेड इन द पीजी डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इट्स 90 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस सेपरेट ओवर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मगध डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि नियुक्तियाँ जो हैं, ठीक है, नई नियुक्तियाँ जो हैं वो विश्वविद्यालय के पीजी विभाग जो है, पीजी डिपार्टमेंट जो हैं, और मगध आपका डिवीज़न के 5 जिलों में फैले 19 जो है, 19 आपके जो घटक हैं, 19 घटक कॉलेज जो हैं उसमें ये सभी नियुक्तियां की जाएंगी, जो 5 अलग-अलग जो आपके जिले में फैले हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट्स और क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए बची रह गई कि किस किस, ठीक है, सब्जेक्ट्स में बेसिक जो आपका वैकेंट सीट जो है उसके बारे में आपको हम बताएं, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपकी वैकेंसी निकलेगी तो एक बहुत लंबी चौड़ी उसका आपका जो नियम कानून आपको दिया जाता है, तो हम यहाँ पे नियम कानून का ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। आप लोग को सिर्फ अवेयर करेंगे किस किस सब्जेक्ट में नियुक्तियाँ हैं और नियुक्तियाँ कितनी हैं और कहाँ से नियुक्तियाँ आ रही हैं, तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए मेन डेटा पे चलते हैं। तो यहाँ आपका वैकेंसी के सीट्स से जुड़े हुए और सब्जेक्ट से जुड़े हुए आंकड़े, कुछ देखिए टोटल यहाँ पे आंकड़े नहीं दिए गए हैं लेकिन कुछ आंकड़े दिए गए हैं ताकि आप लोग अवेयर हो जाइए। देखिए यहाँ पे दिया गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट इन वैकेंट इन केमिस्ट्री, तो रसायन विज्ञान में अधिकतम रिक्तियों की पद की बात की गई है, एज अगेंस्ट द 77 सेंसेंट पोस्ट ऑफ द टीचर्स इन केमिस्ट्री, द नंबर ऑफ वर्किंग टीचर्स इज ओनली 37। तो कहा गया है कि रसायन विज्ञान में शिक्षकों के 77 स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत जो शिक्षक हैं उनकी संख्या केवल 37 है अभी। और कहा गया है कि वैकेंसीज इन फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आर यहाँ पे 38, 29, 28 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका भौतिक विज्ञान है, ठीक है, उसमें आपका जो है कितनी सीटें हैं आपकी, 38, 38 सीटें हैं,
ठीक है। वनस्पति विज्ञान जो है इसमें कितनी सीटें हैं आपकी, 29 सीटें हैं, 29 सीटें हैं। एंड जूलॉजी जंतु विज्ञान है इसमें कितनी सीटें हैं, 28 सीटें हैं। एंड आपका मैथमेटिक्स में कितनी सीटें हैं, मैथमेटिक्स में आपका 20 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये होगी कुछ यहाँ पे डेटा, और आगे चलते हैं देखती हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कहा गया इन द लैंग्वेज, ठीक है, इन द लैंग्वेज लिटरेचर कैटेगरी द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज इन हिंदी। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाषा साहित्य की श्रेणी में अगर जाते हैं तो रिक्त पदों की संख्या सबसे अधिक हिंदी है, जिसमें कुल पोस्ट ऑल टुगेदर 20 पोस्ट आर वैकेंट इन हिंदी। ठीक है, आपके 20 पद जो हैं, जो एक बड़ा अमाउंट है पोस्ट का, वो हिंदी में है। 19 इन इंग्लिश, 19 आपका अंग्रेजी में है, 6 इन आपका उर्दू, 6 आपका उर्दू में है, 4 इन संस्कृत, 4 आपका संस्कृत में है, 2 इन पर्सियन, ठीक है, 2 आपका पर्सियन में, एंड 1 मगधी, और मगधी में ये हो गया, एंड आपका उर्दू में तो 6 हो गया। तो ये हो गए कुछ सीटें। देखिए और कहा गया है यहाँ पे सीटों के बारे में, एज अगेंस्ट 8 सेंसेंट पोस्ट इन लॉ, ठीक है, द नंबर ऑफ वर्किंग टीचर इज जस्ट 1। कहा गया है कानून यानी कि लॉ के 8 पोस्ट के स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत केवल सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है, ठीक है, तो 7 टीचर्स विल आल्सो बी अपॉइंटेड टू टीच लॉ। तो आपके 7 पोस्ट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो लॉ के लिए रहेंगे यहाँ पे। और आगे देखिए क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी PRO सिद्धार्थ नाथ प्रसाद, डीन द रिजर्वेशन रोस्टर विल स्ट्रिक्टली बी फॉलोड, ठीक है, विश्वविद्यालय के PRO जिस सिद्धांत नाथ प्रसाद डीन के अनुसार आरक्षण रोस्टर जो है का सख्ती से पालन इस आपके वैकेंसी की नियुक्तियों में किया जाएगा 100%। ठीक है, तो ये रहा आज की वीडियो का पूरा देखिए तो एनालिसिस। तो आप लोग अवेयर हो जाइए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लपकने के लिए। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।